शरद पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारी से निजात मिलती है। हमीरपुर के लंबलू में शरद पूर्णिमा की रात को तैयार खीर में मिली निशुल्क आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं और यही कारण है कि आज शरद पूर्णिमा के बाद खीर का सेवन करने के लिए सुबह तड़के से ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। खीर खाने के लिए पूरे हिमाचल समेत बाहरी राज्यों से भी लोग आज के दिन लंबलू में पहुंचते हैं। गौरतलब है कि पिछले 20 सालों से इस तरह शरद पूर्णिमा के बाद दमा, खांसी, एलर्जी के मरीजों को दवाई निःशुल्क खिलाई जाती है और इस दवाई का सेवन के लिए तुरंत लाभ भी मिलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं। माना जाता है कि दमा रोगियों के लिए तो यह खीर रामबाण का काम करती है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का अपना ही महत्व है और खीर को बनाकर पूरी रात भर चांद की रोशनी में रखा जाता है और जो ओस इस खीर पर आकर पड़ती है वह काफी लाभदायक मानी जाती है। बाद में खीर में जड़ी बूटियों से बनाई गई औषधि दवाई मिलाई जाती है। इस दवाई को खाने के लिए हिमाचल के कोने कोने से मरीजों के अलावा अम्बाला, पंजाब, चंडीगढ़ से भी मरीज पहुंचते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर रात भर चांद की रोशनी में रखी जाती है और दूसरे दिन सुबह से ही खीर में दवाई मिलाकर मरीजों को खिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से दवाई मरीजों को दी जा रही है और इसे खाने से काफी हद तक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस दवा का बहुत महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन हम वर्षा ऋतु का अंत होता है और शरद ऋतु की शुरुआत होती है, तो आसमान से जो ओस गिरती है वो एक अमृत के समान होती है और ये जो ओस होती है, ये जो चंद्रमा की रोशनी होती है, ये अमृत तुल्य काम करती है। और जो हम खीर बनाते हैं उसको चंद्रमा की लाइट में रखते हैं और उसके बाद ये जो हम एक दवाई बनाते हैं, आयुर्वेदिक की दवाई होती है, हमारी जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और पिछले कई सालों से ये दवाई दी जा रही है। तो ये हमारे पहले हम आरोग्य धाम मुजफ्फरनगर से ये दवाई लाते हैं, अब ये हम खुद ही यहाँ पे बना रहे हैं और पिछले 18 सालों से ये दवाई हम दे रहे हैं। और ये अस्थमा के लिए, दमा के लिए, जितनी रेस्पिरेटरी जिसको प्रॉब्लम होती है, बार बार खांसी होती है, जुकाम होता है, उनके लिए बहुत ही अमृतुल्य काम है। और मैं ना, मेरे को यहाँ पे खिलाते हुए 20 साल हो गए, तो मैंने 20 साल की जो रिसर्च देखी, जो करीब से 60% रोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। चमत्कारी खीर खाने के बाद राहत महसूस करने वाले लोगों ने बताया कि गत काफी सालों से खीर में मिलाई दवाई खाने से सांस, दमा और दूसरी एलर्जी वाली बीमारियों से निजात मिलती है। दमा के मरीजों ने बताया कि सालों से खीर का सेवन करते आ रहे हैं और खीर में मिली दवाई का सेवन करने के लिए बीमारी से निजात मिलती है। उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा के अगले दिन मंदिर आना नहीं भूलते हैं, क्योंकि दवाई का सेवन हर साल बीमारी से दूर रखता है। सर, मुझे सांस की प्रॉब्लम होती थी, मुझे काफ़ी फर्क है इससे खाने से। 7-8 साल हो गए मुझे खाते हुए इसको और काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट चली है इससे। हाँ जी, खा रहा हूँ जी। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर साल बनती मंदिर, शनिदेव मंदिर में ये दवाई खिलाई जाती थी। अब शनि मंदिर की बजाय डॉक्टर त्रिलोक जी अपने घर में ये दवाई खिलाना शुरू कर दिया है। और जो जिनको दमा है, इस दवाई से काफ़ी फर्क पड़ा और दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं।